हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक शाम माँ अम्बे के नाम एक भजन संध्या में उमड़ी श्रद्धालु भक्तों की भीड़, भजनों की प्रस्तुतियों पर झूमे श्रोता। स्थानीय नगर के अंबिका मंदिर परिसर में संत मनसुख हीरापुरी जी महाराज के पावन निशा में हनुमान जन्मोत्सव पर हरिओम मंडल के बैनर तले आयोजित दो दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। यहाँ पर आयोजित एक शाम माँ अम्बे के नाम एक विशाल भजन संध्या में सोहनलाल माली एंड पार्टी चोटिला ने गणपति वंदना के बाद गुरु वंदना करते हुए एक से बढ़कर एक शानदार भजनों की प्रस्तुतियाँ देकर भोर तक श्रोताओं को बांधे रखा। दो दिवसीय धार्मिक आयोजन को लेकर अंबिका मंदिर परिसर को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। जगह जगह स्वागत बैनर, प्रवेश द्वार व फरियों के साथ रंग बिरंगी रोशनी लगाकर सजावट की गई। यहां पर शुक्रवार सुबह संत महात्माओं के सानिध्य में वेद पीड़ितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा अर्चना के साथ विशेष धार्मिक अनुष्ठान तथा हवन यज्ञ का कार्यक्रम विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। रात में सुंदरकांड का संगीतमय पाठ किया गया। शनिवार को एक शाम माँ अम्बे के नाम एक विशाल भजन संध्या के साथ महाप्रसादी का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने बड़ी ही उत्साह के साथ भाग लिया। यहाँ माता जी की प्रतिमा को विशेष रूप से श्रृंगारित किया गया। दूर दराज से पहुँचे ही श्री मेवाड़ क्षत्रिय कला समाज बंधुओं सहित गुरु भक्तों ने माँ अम्बे की विशेष पूजा अर्चना कर परिवार के लिए खुशहाली की मन्नतें मांगी। भजन संध्या में भाव विभोर हुए श्रद्धालु हनुमान जन्मोत्सव पर आयोजित एक शाम माँ अम्बे के नाम एक विशाल भजन संध्या में भजन कलाकार सोहनलाल पार्टी चोटिला की ओर से एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। भजन संध्या की शुरुआत गणपति वंदना के बाद गुरु वंदना करते हुए माता थारे दरबार, दुखियो रा दुखह हरिया माता, 64 जोगिनी रे देवी रे देव रिये रम जाए, झिणा झिणा घुंगरा माता रे थोन बाजे सहित एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। देर रात तक चली भजन संध्या में कलाकारों की प्रस्तुतियां पर श्रोता भाव विभोर होकर झूमते रहे। हरिओम मंडली की ओर से भजन कलाकारों के साथ अतिथियों का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। पूरे कार्यक्रम का मंच संचालन प्रकाश मेवाड़ा मुंडारा की ओर से किया गया। महाप्रसादी में उमड़ा आस्था का सैलाब। लंबे अंतराल के बाद माँ अम्बे के मंदिर में श्रद्धालु भक्तों के लिए महाप्रसादी रखी गयी। यहाँ पहुँचे बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने प्रेम पूर्वक माता जी के प्रसादी का आनंद लिया। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य श्रीमती भावना खटीक, सरपंच दाकू देवी भिल, जयदेव सिंह राणावत, दिलीप सिंह हवेली, सुरेंद्र सिंह राणावत, मदन सिंह गुड़िया, पिंटू भाई कामदार, शंकरपुरी गोस्वामी, रमेश कुमार, इंद्राज खटीक, धनराज लोणावा, प्रकाश मेवाड़ा मुंडारा, धनेश मेवाड़ा, महेश मेवाड़ा, महावीर मेवाड़ा, कैलाश मेवाड़ा सहित श्री मेवाड़ा क्षत्रिय कला समाज बंधु एवं हरिओम मंडल के गुरु भक्त उपस्थित थे। अंधकार को मिटाने के लिए भगवान शिव ने किया शक्तियों को प्रकट। ब्रह्मा कुमारी केंद्र से पहुंची बीके मीरा बहन, बीके संतोष बहन तथा कंचन बहन ने धार्मिक आयोजन में उपस्थित श्रद्धालुओं को अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में सृष्टि पर घोर अंधकार, पापाचार, अत्याचार व दुराचार का समय चल रहा है। ऐसे समय भगवान शिव ने अपनी शक्तियों को प्रकट कर सृष्टि से घोर अंधकार मिटाने का कार्य किया है। माँ अम्बा के बारे में विस्तार से बताया कि माँ अम्बा देवी एक है और कार्य अनेकों। जब जब संसार में पाप बढ़ता है तब तब देवी ने घर स्थापना कर शिव से शक्ति प्राप्त कर असुरों का विजय प्राप्त किया है। इस कार्य में सहयोगी बनी जमुना बाई, जो अम्बे माँ का भव्य मंदिर बनाने के निमित्त बनी और युगों युगों तक अपना नाम रोशन किया है। माता पिता और परमात्मा की महिमा सबसे बड़ी है। हीरापुरी जूना अखाड़े के नागा सन्यासी संत श्री मनसुख हीरापुरी जी महाराज ने कहा कि माता पिता और परमात्मा की महिमा दुनिया में सबसे बड़ी है। माता की महिमा अपरंपार है। माता तीर्थ स्थान है और माता के चरणों में ही चारों धाम है। वे शनिवार को सांडे राव के अंबिका मंदिर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि माता पिता पसंद से नहीं, पुण्य से मिलते हैं। माता के दूध के कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता है, इसीलिए उन्होंने भक्तों को माता पिता की सेवा करने की सलाह दी। इस दौरान आसपास के गांवों से अनेकों भक्तजन उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के लिए सांडे राव से नटवर मेवाड़ा की रिपोर्ट।